हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को समझ लीजिए। क्लास टेंथ की जो साइंस है हम लोग उसको पढ़ेंगे यहाँ पर, और जो एग्ज़ाम डेट बचे हुए हैं, थोड़े दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, तो उसके हम लोग करेंगे तैयारी। ठीक, आप तैयारी कैसे करेंगे तो याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पर आपके जो आज तक के पेपर्स आए हुए हैं, वो चाहे आपका प्रैक्टिस सेट में हो, चाहे वो बुक में हो या अदर कहीं पर हो, जिस जिस रूप में वह क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड एग्जाम में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे किस क्वेश्चन को कितना लिखना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए, इस वीडियो में हम लोग अच्छा क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में साइंस का एक मैराथन क्लास है, इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो इस साइंस की आपकी मैराथन क्लास आपको दिख रही है, यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। मेरा पॉइंटर आपको छोटा सा दिखाई पड़ेगा, ये डेट आपकी 22 फरवरी पड़ी हुई है, ये बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने की डेट पड़ी हुई है। आज का टॉपिक क्या है, अध्याय फर्स्ट, मतलब फिजिक्स का आपका ये पहला चैप्टर है। बुक में जो आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है उसका ये पहला चैप्टर है, और टॉपिक हमारा रहेगा परावर्तन। किसका? प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो बिना समय बर्बाद किए हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहली प्रकाश है। आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है, पहला क्वेश्चन प्रकाश क्या है और इसके गुण लिखिए। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ यहाँ पर। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश होगा तो वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, और प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ये होती है 4000 से 8000 इंगस्ट्रॉम तक। कहीं कहीं पर लिखा होगा 3900 से 7800 इंगस्ट्रॉम तक। इंगस्ट्रॉम का ये होता है साय, तो इस पर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो लिखा है प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश के गुण ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के गुण बताइए। पहले तो 2 नंबर में आता था, अब हो सकता है पूरा जोड़ करके 4 नंबर पे आ जाए, तो इसको तैयार करते हैं। प्रकाश पहला गुण है कि यह हमेशा कैसे चलता, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मेरे पास एक टॉर्च थी, मेरे पास क्या थी, एक टॉर्च थी। इस टॉर्च से जब मैंने लाइट लगाई तो प्रकाश कैसा चल रहा है, अगर इस तरफ जा रहा है तो वो इस तरफ सीधे सीधे जाएगा, अगर वो इस तरफ जा रहा है तो वो ऐसे चलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर एक चीज पूछ सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझे आप, यहाँ पर किलोमीटर में लिखा है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 0 बढ़ा करके इसको कर देंगे, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा है कुछ पॉइंट कि प्रकाश के माध्यम से वस्तुओं को देख पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रकाश ना हो तो हमको वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ याद रखना है कि प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस पॉइंट को समझ लीजिए कि अगर चमकदार और अपारदर्शी परत है तो प्रकाश आएगा और टकरा करके चला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और पारदर्शी माध्यमों से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। परावर्तन और अपवर्तन हम लोग आगे पढ़ेंगे। पारदर्शी माध्यमों से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। मान लीजिए ये आपका कांच की ये प्लेट रखी है, ठीक ये है,
यहाँ से प्रकाश आएगा और आने के बाद इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा निकल जाएगा ऐसे करके। तो ये क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे, कि प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। निर्वात का मतलब समझ रहे, जहाँ वायु हो या जहाँ वायु ना हो। निर्वात मतलब देखिए एक शब्द आया है निर्वात, तो निर्वात का मतलब है जहाँ वायु ना हो। तो जहाँ वायु ना हो प्रकाश वहां भी चल सकता है, तो ग्वालिटी है उसकी। इसके बाद प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अब जैसे माध्यम का मतलब समझ रहे हैं, वायु, कांच, ठीक, हवा। अपने वायु और हवा में क्या अंतर तुमने लिख दिया है, तो ये सब माध्यम है। हम प्रकाश कैसे, देखो मैंने ऊपर बताया कि निर्वात में भी चल सकता है, वात माने वायु, तो निर्वात में भी चल सकता है, तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट इसको हटा दें। अब ये तो वस्तु देखो, यहाँ पर याद रखना, परावर्तन के आधार पर, किसके आधार पर, परावर्तन के आधार पर, परावर्तन के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, पहला आपको अदीप्त दिख रहा है और दूसरा नीचे दिख रहा होगा प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, तो हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले है आपकी अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कुर्सी, कुर्सी आपको अंधेरे में दिखती है, नहीं दिखती। मेज, पंखा कुछ नहीं दिखता होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो टॉर्च जला कर चेक करें, या फिर बल्ब लाइट जलाएं, ठीक, या फिर सूर्य हो, ठीक। तो ये सब आपको तभी दिखाई पड़ेगी। तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं, देखो ये है प्रदीप्त वस्तुएं, ये कैसी है प्रदीप्त वस्तुएं, बताएं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, ठीक। अब नीचे चलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। स्वतः मतलब स्वयं, अब स्वयं का मतलब समझ रहे हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है। टॉर्च है, जब जलेगी तो प्रकाश उत्पन्न होगा, बल्ब जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा, इनको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये अपना मेन टॉपिक था। तो किसके आधार पर वस्तुएं का विभाजन था, ये था परावर्तन के आधार पर, परावर्तन के आधार पर, ठीक। ये परावर्तन के आधार पर वस्तुओं का विभाजन था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके, एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं बताई है आपको, उसको इसलिए साइड में समझा देता हूँ। अब प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर भी वस्तुएं दो प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। गमन क्षमता के आधार पर आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है अल्प पारदर्शी। वन मिनट, पारदर्शी इसका अच्छा दूसरा नाम और क्या होता है, इसको पारभाषी भी कहते हैं। पारभाषी, केवल आपको पार होने का आभास होगा। पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार प्रकाश निकल जाता है, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अपारदर्शी क्या होती हैं, जिनके आर पार प्रकाश न निकल पाए,
मतलब गमन करना हो गया, तो गमन के आधार पर हो गई। और अपारदर्शी जिनसे हो करके प्रकाश की कुछ ही मात्रा बाहर जा पाए उसको हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी चमकदार या पॉलिशदार तल से टकराता है तो वह उसी मार्ग में क्या होता है, वापस आ जाता है या लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसको, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम है। पहला परावर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब, मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होने चाहिए, अलग अलग तल ना हो, इसको हम परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। और परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है, यह आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब इसको हम लोग इस चित्र से समझते हैं, क्योंकि वहां तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। अब किरण किसकी है, किरण किरण, तो ये वो किरण नहीं है, ये है प्रकाश की किरण। किसकी किरण है, प्रकाश की किरण। और अभी क्या करेगी स्टूडेंट, ये आ रही है, ये आने का है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, आपतित किरण कह देते हैं। और जब ये जा रही होती है तो इसको हम क्या कह देते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, अब इसको क्या कहेंगे, तो ये होता है अपना अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक, अभिलंब हो गया तो आपको एक कोण दिख रहा होगा, ये दिखा आपको कोण, इसको कहते तो कि आ रही है किरण, आपतित किरण है, तो इसको हम लोग कह देते हैं आपतन कोण। और ये कोण यहां से जा रही है किरण, तो इसको हम क्या कह देते हैं, परावर्तन कोण कह देते हैं। ठीक, और जिस बिंदु पर ये मिल रही होती है उसको हम लोग कह देते हैं आपतन बिंदु। तो ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब जितने एंगल से ये किरण आएगी उतने एंगल से ही क्या जाएगी, यहाँ से वापस होकर के जाएगी। तो ये किरण जो दी हुई है ये मैंने फिगर को आपको समझा दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 15 मिनट की क्लास थी और इसमें आपको परावर्तन चीज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और कैसे एग्जाम में इसको लिखना है ये भी आपको बता दिया है मैंने। हालांकि अनसॉल्व के भी क्वेश्चंस उठाएंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो, अगर ना अच्छा लगा हो तो आप इसको डिसलाइक करके मुझे कारण बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।